लोग कहते हैं नौकरियों को बेचने की बात करते हैं कि आप हमें वोट दोगे हम नौकरी देंगे। अरे भैया ये शेख चिल्ली के सपने कहाँ देख रहे हो, ना दौलत दे लोगा ना राधा नाचेगी। 5 तारीख को वोट डलेंगी, 8 तारीख को गिनती होगी, 10 तारीख को नायब सैनी ओबीसी का बच्चा ओबीसी का बेटा मुख्यमंत्री की शपथ लेगा और उसके बाद 15 से 20 तारीख के बीच में भारत कॉलोनी के काम शुरू हो जाएंगे। नौकरी देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो किसी वोट के एवज में नोट के एवज में नहीं, बच्चों की काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम करेगी। वो किसी खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं देगी, जो गरीब का बेटा पढ़ लिख कर एग्जाम पास करेगा उसे नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मेरी माता है, मैंने बैठी है। कांग्रेस ने लोकसभा में झूठ बोला था कि खटाखट खटाखट 8500 रुपए आएंगे, 50 रुपए भी आए आपके अकाउंट में। तो अब की बार जब कांग्रेसी कुछ देने आए तो उनका फटाफट फटाफट हिसाब कर देना, यहाँ पे निकल लो अपनी गली से। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि 12 तारीख को सरकार जब शपथ ले लेगी, 10 तारीख को शपथ ले लेगी, उसके बाद 1 नवंबर को, 1 नवंबर से मेरी माता बहनों के अकाउंट में 2100 रुपए आने शुरू हो जाए। हर महीने 2100 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, आपके बेटे की सरकार करेगी, आपकी दी हुई वोट करेगी। जो सिलेंडर 1100 का आता था 500 रुपए में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या मेरी बच्चियां बैठी है, माताएं बैठी है, जो बच्चियां पढ़ लिख कर 12वीं में 60% नंबर लेगी, फर्स्ट डिवीजन पर आएंगी, उन्हें स्कूल जाने के लिए स्कूटर भी फ्री में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों ये होता है संकल्प। बहुत सारे लोग जो आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इलाज फ्री कराते थे, वो 10 लाख का इलाज फ्री कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों ऐसी अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखी है, ये सब पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर में धारा 370 हटा देंगे, 370 हटा के दिखाई ना। और तो और 500 सालों से जो हमारे बुजुर्ग जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वो राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मित्रों आने वाली 5 तारीख को 4th नंबर का बटन किस पे दबाओगे? किस पे दबाओगे? तो इतनी सारी वोट दे देना कि मेरी पार्टी बोले ये विपुल गोयल से बहुत प्यार करते हैं। विपुल गोयल बहुत प्यार है, आपकी वोट विपुल गोयल को मंत्री बनाएगी।